दोस्तों आज हम लोग कार स्टूडियो को घर पे और कार का एम्पलीफायर के घर पे चलाने वाले हैं और कैसा कनेक्शन करता है वो बताने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे और कैसा कनेक्शन करता हो वो भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, स्किप मत करना, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। तो चलो इसको पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। ये हमारा स्पीकर हो गया 8 इंची और ये सोनी का 350 वाट का एम्पलीफायर हो गया, सोनी एक्सप्लोड का, जो बहुत पुराना है। और ये हमारा सोनी का कार स्टूडियो हो गया, ये भी बहुत खराब पुराना है। और ये हमारा दोनों SMPR, एक से इसको चलाऊंगा और दूसरा से इसको। तो ये हमारा स्पीकर का साइड तार इसमें कनेक्शन कर लेता हूँ। स्पीकर का हो गया, अब इसका मेन लाइन का बाकी है। तो मेन लाइन हमारा ये हो गया, इसमें प्लस और ग्राउंड दिया है। तो इसका लाल वाला या सेंटर वाला इधर देखो, थोड़ा ये हमारा प्लस पे, प्लस का REM में चला जाएगा और माइनस का माइनस में दे देंगे। इसका बहुत अच्छा से रखता से ध्यान रखना है, थोड़ा भी उल्टा सुलटा हो गया तो ये नहीं चलेगा। और ये हमारा SMPR में जाएगा, तो एक SMPR इधर रहा। तो ये प्लस इसमें लिखा है, प्लस माइनस, ये प्लस हमारा। तो एक कनेक्शन इधर से ले लेता हूँ और एक माइनस इधर से। तो इसमें से हम लोग दूसरा SMPR में भी लाइन डालेंगे, क्योंकि एक ही AC कोड है, AC कोड एक ही है। तो ये हो गया, तो इसी में से इसको भी लाइन डालेंगे हम लोग। हो गया और कार स्टूडियो का हमारा कार स्टूडियो का हो गया। इसमें भी ऐसा ही कनेक्शन कर लेंगे। इसका नट बोल्ट सब खुल गया है, तो ये हमारा प्लस हो गया, लाल वाला हमेशा प्लस रहेगा। ये माइनस, तो अभी हमारा सारा कनेक्शन हो गया है, मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो थोड़ा दिखाता हूँ, यह हमारा मेन लाइन हो गया, AC जाएगा, AC इधर ही चला जाएगा। ये इसी में से इसको भी डाला है, क्योंकि मेरे पास एक ही AC कोड था, एक ही था इसलिए। और ये एक SMPR से हमारा ये एम्पलीफायर में जाएगा 12 वोल्ट से, और दूसरा SMPR से इसको चलाएंगे हम लोग। इससे हम लोग ये 3.5 mm जैक से चलाने वाला, और इसी के इससे इसको बजाएंगे।
इसके लिए हमारे लिए, और ये हमारा स्पीकर कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हो। तो एक दूसरा स्पीकर है, ये भी कनेक्शन कर लेता हूँ। और ये हमारा रहा एसी कोड, ये एसी कोड नहीं है क्या, ये हमारा म्यूजिक के लिए, इधर से इधर कार स्टूडियो में इधर रहता है, दिखाता हूँ इधर। तो एक वाइट और दूसरा रेड इधर, और इधर भी इसका इधर है वाइट और रेड। यह हमारा देख सकते हो, इधर हमारा वॉल्यूम का हो गया, और यह हमारा हाई लेवल इनपुट हो गया। मैं इसका बारे में दूसरा वीडियो में बताऊंगा क्या है इसका हाई लेवल, और इसका डिटेल में बताऊंगा। अभी फुल वॉल्यूम कर देता हूँ, ये सब के लिए है और ये साउंड के लिए। तो अभी हमारा हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस फ्रेम डालता हूँ। देख सकते हैं हमारा करंट आ चुका है इधर, इसमें भी एस एम पी एल में भी करंट आ गया है, और ये हमारा इसमें भी करंट आ गया है। तो मैं ऑडियो जैक लेके अभी म्यूजिक चलाता हूँ, तो वीडियो में बने रहे। तो अभी हमारा ऑक्स कनेक्शन हो चुका है, अभी मैं म्यूजिक चलाने के लिए दूसरा फ़ोन यूज़ करूँगा, एक एन सी एस का म्यूजिक चलाऊँगा, क्योंकि कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इसका पिन हो गया है कनेक्ट, यूट्यूब इधर से हमारा साउंड फुल करता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा ये भी प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा ये आ रहा है, किधर हुआ है वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये आता नहीं है ऐसा।
चलो दूसरा म्यूजिक लगाते हैं। तो इसी तरह से आप लोग कनेक्शन करके घर में भी बजा सकते हैं। चलो एक और म्यूजिक बजा दूंगा, कॉपीराइट नहीं आता तो एक से एक गीत बजा के मैं सुना देता, कॉपीराइट की वजह से आने से। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।